हेलो स्टूडेंट्स, तो पहले अपनों ने जो टॉपिक पिछली वीडियो में किया था वो अपने कर रहे थे गति के समीकरण। अब गति की जो तीसरी समीकरण बाकी रह गई थी, तो आज अपने करेंगे गति की तीसरी समीकरण। वैसे तो उसे गति का तृतीय समीकरण बोलते हैं, होते हैं 2as is equal to v² minus u² लिख लेते हैं अपने। 2as is equal to क्या होता है? v² minus u² a हो गया त्वरण, s दूरी, v यहाँ हो गया अपना अंतिम वेग और u क्या हो गया अपना प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो अपने इस जो गति का तृतीय समीकरण है अपने इसका मान ज्ञात करना, मतलब इसे ही अपने जो है ज्ञात कैसे डिफाइन करेंगे, वो भी किससे? ग्राफ की हेल्प से। तो अगर इसको ग्राफ में इसका रिलेशन कैसे दर्शाएगा, तो क्या कहेंगे अपने से? वेग स्थिति संबंध समीकरण या वेग स्थिति संबंध ग्राफ कह देंगे अपने इसे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अपने पास यहां से कोई वस्तु चली है ए पॉइंट से, कहां पहुंची? बी पॉइंट तक पहुंची। इतना एरिया उसने पूरा कवर कर लिया, ये रहा, ठीक है, ये रहा पूरा एरिया, ये जो है इतना उसने कवर कर लिया। तो अगर अपने इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो मतलब अपने क्या ज्ञात कर लेंगे, इसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो करते हैं, पहले भी अपने एरिया ज्ञात किया था, लेकिन उसमें क्या किया था अपने, इसको अलग अलग करके किया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या किया था, आयत का क्षेत्रफल निकाला था, जो अपने सेकंड जो समीकरण की थी निकाली थी अपनों ने। ठीक है, लेकिन अब इसको ऐसे नहीं करेंगे, अब इसको सारे ना लेंगे अपने। तो ये सारा अपने पास जो आकृति प्राप्त हो रही है किसकी है? समलंब चतुर्भुज की। तो यहाँ लगाओ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दूरी बराबर आएगा, दूरी बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो गया अपने पास ऑटोमेटिक, इसकी दूरी आ जाएगी और अपने समीकरण जो भी अपने को डिफाइन करनी है वो अपने पास आ जाएगी। ठीक है, देखो दूरी को किससे लिखते हैं? एस से। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आमने सामने की भुजाओं का योग। ये भी एक भुजा और ये भी दूसरी भुजा है। देखो आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने है ना, तो क्या लिखेंगे? आमने सामने की भुजाओं का योग। यहाँ क्या लिखेंगे? योग। आमने सामने की भुजाएं कह लो, चाहे इसको कह लो समांतर, कि ये OA किसके समांतर है? BC के। तो चाहे कुछ भी लिख लो, आमने सामने की हो गई या कुछ भी, ठीक है। इनटू में क्या आएगा इसकी? ऊंचाई। इनटू में आ गया ऊंचाई। रखो मान S बराबर क्या है? 1/2। अभी मैंने बताया आमने सामने की भुजाएं कौन सी है? OA प्लस में क्या आ जाएगा? CD। OA प्लस CB, ठीक है, गुना ऊंचाई। ऊंचाई अपने क्या ले लेंगे? OC ले लो, चाहे AD ले लो, क्योंकि क्या है दोनों का मान बराबर ही है, तो अपने OC लिखेंगे। OC, ठीक है, ये O है, बना लेंगे OC। अब देखो 1/2 OA का मान कितना है? U, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था यहां से वस्तु चल रही है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? U प्लस CB। देखो यहां से यहां तक ये पूरा अंतिम वेग, यानी किसको किससे लिख रहे हैं अपने? V से। तो ये भी क्या हो जाएगा? V। तो यहां पे आ जाएगा V। इनटू में क्या आ गया? OC। OC ऊंचाई। क्या है इसका मान? T। देखो S बराबर आ गया। अब इसको आगे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा, कुछ गुना नहीं हो रहा, तो अपने क्या करेंगे? T का मान रखेंगे। T का मान कैसे रखेंगे? देखो सबसे पहले वाली समीकरण याद करो, क्या थी इसकी समीकरण? S बराबर A बराबर, समीकरण थी B बराबर U प्लस AD। सॉरी मैं सेकंड समीकरण लिख रही थी, लेकिन अपना सेकंड से भी याद हो जाता है, लेकिन अपने सबसे पहले समीकरण पे करेंगे, क्योंकि समीकरण क्या है, छोटी है, मान निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, T का मान चाहिए तो U का इधर ले आओ माइनस का, बराबर में क्या बच गया? AT। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे? T का मान रखो V माइनस U कौन में? A बटा में आ गया, तो ये अपने पास क्या आ गया? T का मान आ गया। यहाँ रख दो S बराबर 1/2 U प्लस V लिखो, ठीक है, चाहे V प्लस U लिखो कोई बात नहीं है, T का मान रखो V माइनस U अपॉन में क्या आ गया? A।
तो नीचे क्या है, 2 और a है, दोनों का मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा तो क्या आएगा 2as। यहाँ क्या बच गया अपने पास, v plus u, और साथ में क्या बच गया v minus u। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, देखो कौन सा, a square minus b square is equal to a minus b और a plus b, ठीक है। तो लो a minus b और a plus b, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a square minus b square, मतलब क्या आ जाएगा v square minus u square, बराबर क्या आ गया 2as। तो ये देखो गति के तृतीय समीकरण अपनों ने याद कर ली, दो पहले वीडियो में हो गई थी, तीसरी अब हो गई है। इसको ध्यान से देख लेना, दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आराम से हो जाएगी। चलो ये तो हो गया वेग स्थिति संबंध ग्राफ, अब अपने करते हैं इसका आगे। एक लास्ट टॉपिक रह गया अपना, एक समान वृत्तीय गति। उसके बाद अपना चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा टॉपिक रह गया अपना, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, देखो कोई भी वस्तु है जब वो चल रही है ना, मतलब एक समान जो वेग से चल रही है ना, तो उसके बाद अगर उसकी गति की सिर्फ दिशा चेंज होगी, कैसे, देखो यहां से किसी ने चलना प्रारंभ किया ए पॉइंट से, यूं चला फिर यूं चला, तो वेग क्या है बराबर है, उसके बाद उसने अपनी दिशा चेंज कर ली। यहाँ पे सिर्फ दिशा ही तो फर्क हुआ है, बी से कहाँ मुड़ गया, मान लो सी की तरफ मुड़ गया, दिशा ही चेंज हुई है, वेग तो नहीं चेंज हुआ, वेग का जो परिमाण है वो तो चेंज नहीं हुआ। तो इसी प्रकार अपने आगे देखते हैं कि एक समान वृत्तीय गति, वृत्त तक गति जो है एक समान कैसे होगी वेग से। देखो सबसे पहले अपने क्या कर रहे हैं, अपनों ने मान लो ये आयत है अपने पास, ठीक है, देखो ए बी सी और डी, चार पॉइंट ले लिए अपनों ने, अपने पास ये अपने पास एक जो है आयताकार पथ है, इसने मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, बी से फिर मुड़ गया कहाँ तक, सी तक, यहाँ से यहाँ चला, वेग बराबर था, फिर यहाँ से यहाँ चला तो फिर वेग बराबर था, लेकिन क्या हो गई, दिशा चेंज हो गई। फिर वो सी से चला डी तक, फिर क्या हो गया, दिशा चेंज हो गई, क्या हो गई, दिशा परिवर्तित हो गई, दिशा परिवर्तित हुई, फिर डी पॉइंट पे आके क्या हो गया, फिर मुड़ गया, वापस कहाँ पहुंच गया, ए पर। तो मतलब चार बार उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, तो उसके बाद लेकिन उसके वेग में कोई भी फर्क नहीं आया। ये तो चलो अपने आयत का ले लिया, अगर उसके बाद अपने इसकी भुजाएं बढ़ा दी, ये कितनी भुजाएं थी, चार भुजाएं, छह भुजाएं कर लो यहाँ पे, देखो छह भुज को अपने लिख लेंगे षष्ठ भुज या कुछ भी कह लो, ठीक है, सिंपल कह लो। देखो यहाँ इसको करेंगे अपने, ये लो ये बन गया अपना छह भुजाओं का पथ। देखो यहाँ से ए पॉइंट से चलना शुरू किया, बी पे पहुंचा, सिंपल चला, वेग वही है, बी से कहाँ तक जाएगा, सी तक, लेकिन दिशा क्या होगी, चेंज होगी, ऐसे जा रहा था सीधा हो गया, उसके बाद सी से चेंज करो, फिर दिशा चेंज, लेकिन वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर डी से चेंज, ई से चेंज, देन एफ से चेंज हो जाएगी और अपने ए पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अब ये तो चलो चार भुजाओं से अपने कितनी कर दी, छह भुजाएं, छह भुजाओं से बनाओ अष्टभुज। देखो कैसे बनेगा, यूं बना लेना थोड़ा, ठीक है, इस तरह से बन गया यूं, आठ भुजाएं बनानी है, चार थी छह थी, अब क्या करेंगे अपने, आठ भुजाएं बनाएंगे, ये देख लेना थोड़ा, यहां से चला, जैसे ए से कहां तक चला, बी पॉइंट तक, बी से कहां चला, सी पॉइंट तक, इस तरह चलते रहेगा। ये क्या आ गया, डी ई एफ जी और एच पॉइंट, देखो यूं चलेगा, वापस घूम के कहां जाएगा, अपने ये पॉइंट में गिनो कितनी बार चला, एक बार, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ, उसने कितनी बार अपनी दिशा चेंज की, आठ बार। ये क्या हो गया अपना अष्टभुज पथ, अष्टभुज पथ। अब अगर इसमें अपने और भुजाएं बढ़ा दें तो ये पथ कौन सा बन जाएगा अपने पास, वृत्तीय पथ हो जाएगा। देखो यहां से ऐसे, ये लो कौन सा पथ आ गया, भुजाएं बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ी जाएगी तो पथ क्या हो जाएगा अपना, वृत्तीय पथ प्राप्त हो जाएगा अपने।
ठीक है, ये लो यहाँ से कोई भी दिशा कैसी भी चेंज हो रही है कोई इसका मैटर नहीं है, ठीक है। अब वृत्त या पथ पे अगर अपने को मार निकालना तो कैसे करेंगे, त्रिज्या ले लो कितनी है आर, ध्यान लिखो आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा क्या आता है, टू पाई आर। लेकिन टू पाई आर मान लो यहाँ से चला है वापस पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे आ गया, तो मतलब उसने कितना उसका टाइम चला वो चाल टू पाई आर, लेकिन टाइम भी तो लगा है ना, तो टू पाई आर फॉर्म में किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो ये कि अपना क्या आ जाएगा वेग, तो अपने वृत्ताकार पथ का जो वेग है वेलोसिटी है वो इस फॉर्मूला से अपने ज्ञात कर सकते, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक जो था एक समान वृत्तीय गति ये कंप्लीट हो गया, इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर जो 8 है वो भी कंप्लीट होता है।